Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Mohit, back again with the new video. तो guys, काफी लोगों के मेरे पास Instagram पे मेरे पास personally काफी लोगों के message आए थे, DM आए थे कि कैसे सर कोई ऐसी technique है जिसके through हम अपना एक email ID का सारा data backup बनाकर दूसरी email ID में हम उसको देख सके। जी हाँ गाइज, ये पॉसिबल है बिल्कुल, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको यही प्रोसीजर बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी एक ईमेल आईडी जो आप यूज़ कर रहे हो या फिर आपकी बंद हो चुकी है या फिर आपके कोई ऑर्गेनाइजेशन के जिसमें आपने अपनी कंपनी को छोड़ दिया है और आप चाहते हो कि वो सारा का सारा जो ईमेल है, जो पुराना बैकअप है, वो पूरा का पूरा डेटा उठा लूँ मैं और अपनी दूसरी ईमेल आईडी जो मेरी पर्सनल ईमेल आईडी है उसके अंदर मैं सारा का सारा डेटा बैकअप डाल दूँ, जिसमें क्या होगा कि जो दूसरी ईमेल आईडी मेरी पर्सनल ईमेल आईडी होगी उसके अंदर वो सारे के सारे मेल्स आ जाएंगे और एक अलग से फोल्डर आएगा जिसमें क्या है वो ओवरराइड भी नहीं होगा, मुझको सारे के सारे ईमेल सेपरेटली दिख जाएंगे और मैं कभी भी फ्यूचर में उसको यूज कर सकता हूं, देख सकता हूं, पुरानी ईमेल्स को एक्सेस कर सकता हूं। जी हां गाइस, इसमें मैं पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर बताऊंगा। यहां पर मैं जीमेल आईडी का यूज करने वाला हूं क्योंकि काफी 99% जो लोग होते हैं वो जीमेल को यूज करते हैं और जीमेल का एक्सेस करते हैं, काफी लोगों की आईडी जीमेल पर ही होती है, तो मैं यहां पर जीमेल का ही एग्जांपल लेके आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूं। गाइस, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफी ज्यादा आपके लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो पे नए हो तो वीडियो के लिए लाइक कर देना, चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मैं मिलता हूं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे बिना देरी के। सो गाइस, आ गए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी जीमेल आईडी को लॉगिन कर लेना है, ठीक है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूं उस तरीके से कर सकते हो या फिर आप www.gmail.com को आप यहां पर डाल के भी यहां पर आप अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हो। ऑलरेडी मेरी आईडी लॉगिन है, इसके लिए अब मुझको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब सिंपली आपको न्यू टैब ओपन करना है और यहां पर आपको एक यूआरएल डालना है। आपको क्या डालना है यहां पर, takeout.google.com, ठीक है, ये डायरेक्ट यूआरएल है, आप डायरेक्ट वहां पर रिडायरेक्ट हो जाओगे जिस जगह पे भी हमको जाना होगा। आपको सिंपली यहां पर आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शंस मिलेंगे। यहां पर क्या है कि जीमेल के जितने भी प्लगइन्स हैं, जीमेल के काफी सारे जो भी हमारे जो भी हम यूज करते हैं, कैलेंडर्स यूज करते हैं, ड्राइव्स यूज करते हैं, जो भी हम यूज करते हैं, वो सारे के सारे आपको यहां पर जीमेल्स के फीचर्स यहां पर आपको मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, सभी को डीसेलेक्ट कर देना है, हमको इतने सारे फीचर्स की जरूरत नहीं है, हमको सिंपली अपने मेल्स को एक्सपोर्ट करना है, मेल्स का एक बैकअप बनाना है। तो हम यहां पर अपने जीमेल को सर्च करेंगे, मतलब जीमेल का आइकन सर्च करेंगे, यहां पे जीमेल मिल गया है हमको। अब यहां पर हमको इस पे सिंपली क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहां पर हमको जो भी ईमेल्स यदि हमको सेंट आइटम, ड्राफ्ट आइटम, जो भी ईमेल्स हमको यहां पे निकालना है, वो सारे के सारे ईमेल्स के पोर्शन पे हम यहां पे क्लिक कर देंगे। चैट वाला यदि हमको चाहिए, ड्राफ्ट वाला चाहिए, इनबॉक्स चाहिए, सेंट वाले आइटम्स चाहिए, वहां पर हम इसको क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद रेडी हो गया। अभी अब क्या करना होगा, हमको नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा और उसके बाद हमको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको नेक्स्ट स्टेप मिल जाएगी। यहां पर आपको देखो डिस्क्रिप्शन पे एक ऑप्शन मिलेगा, सेंड डाउनलोड लिंक या सेंड टू ड्राइव या फिर सेंड टू ड्रॉप बॉक्स, आपको वन ड्राइव या फिर बॉक्स। तो आपको सिंपली आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट वाली इस पर क्लिक करके रखना है और यहां पर आपको एक्सपोर्ट वंस वाले पे क्लिक कर देना है जो कि ऑलरेडी आपके यहां पे डिफॉल्ट होगा। अब आपको क्या करना है, जिप में आपको नहीं करना है, आपको सॉरी जिप में ही करना है आपको, तो यहां पर आपको जिप वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है, ऑलरेडी यहां पे सिलेक्टेड होगा। अब आपको यहां पर देख सकते हैं कि यहां पे काफी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, 4GB 2GB, आपको कुछ नहीं करना, 2GB वाला सिलेक्ट करके यहां पर नेक्स्ट कर देना है और उसके बाद आपको देख सकते हैं कि यहां पर आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है, आपका जो बैकअप है वो बनना स्टार्ट हो गया है। अब आपको अपनी मेल आईडी को रिफ्रेश करना है, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, जितने मेल्स होंगे जितना डेटा होगा उसी हिसाब से आपको यहाँ पर टाइम लगने वाला है। इस तरीके से आपके पास एक ईमेल आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे सीधे डायरेक्ट डाउनलोड की लिंक आ जाएगी, जो आपका बैकअप होगा, आप यहाँ से सिंपली डाउनलोड लिंक पे क्लिक करके यहाँ से सारा का सारा अपना बैकअप को डाउनलोड कर सकते हो। इस तरीके से जब डाउनलोड लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको फिर से अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन करना होगा, एक वेरिफिकेशन चेक है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही आपका लॉगिन हो जाएगा आपको डाउनलोड लिंक यहाँ पे मिल जाएगी, डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो जिप वाला फोल्डर है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इंटरनेट की स्पीड का जरूर ध्यान रखना क्योंकि जितने भी ईमेल्स है वो पूरे एक बैकअप में आने वाले हैं, जितना भी आपका डेटा है वो पूरा एक बैकअप में आने वाला है, तो आपको टाइम जरूर लग सकता है बैकअप बनने में भी और डाउनलोड होने में भी, ठीक है। ये मेरा पूरा का पूरा डाउनलोड हो जाएगा। अब मुझको क्या करना होगा, ये सारा का सारा जो भी डेटा होगा मुझको दूसरे ईमेल आईडी के अंदर डालना है, ठीक है। अब मुझको सिंपली क्या करना है, इस वाली आपको यूआरएल को ओपन करना है। ये क्या है, थंडरबर्ड का एक ओपन सोर्स
प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फ्री में एक सॉफ्टवेयर मिलेगा। इसके थ्रू हम सारा का सारा डेटा जो भी होगा एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, अपनी पुरानी मेल आईडी में डालेंगे। ठीक है, अब आपको दूसरी ईमेल आईडी ओपन कर लेनी है। ठीक है, इस तरीके से मैंने ओपन करी हुई है। यहां पे आप देख सकते हैं कि मेरा पास पुरानी ईमेल आईडी का कोई भी डेटा नहीं है। ठीक है, पुरानी ईमेल आईडी का कुछ भी नहीं है। अब यहां पे थंडरबर्ड का मैंने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। अब यहां पर जैसे जैसे मैं प्रोसेस स्टेप फॉलो कर रहा हूं, आपको सिंपली वही करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, स्टैंडर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। ये इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये पूरा कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना जो पुराना बैकअप होगा वो पूरा बैकअप का आगे इंपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर क्या कहूंगा, ये पूरा का पूरा अपना अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। अब आपको उस वाली ईमेल आईडी को लॉगिन करना है जिस ईमेल आईडी में आपको अपना डेटा बैकअप डालना है। ठीक है, ठीक है, सेकंड ईमेल आईडी जिसमें आपको डेटा बैकअप डालना है, उस ईमेल आईडी का यूजर नेम मतलब ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको यहां पे टाइप करना है। कोई दिक्कत नहीं है, ट्रस्टफुल वेबसाइट है, ट्रस्टफुल आपका सॉफ्टवेयर है, तो कोई ऐसी ब्रीच होने की जरूरत होगी नहीं मेरे हिसाब से। और यहां पर आप सीधे रीडायरेक्ट होंगे उसकी जीमेल आईडी पे भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने यहां पर अपना ईमेल आईडी डाल देंगे, इस तरीके से अपना यूजर नेम डाल देंगे या कोई भी नेम डाल देंगे, और इस तरीके से ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, कंटिन्यू होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप डन कर देना। ठीक है, जैसे ही आप डन करेंगे आपको फिर से वो रिडायरेक्ट करेगा आपकी ऑफिशियल जीमेल आईडी के पेज पे, और आपको फिर से अपना पासवर्ड को डालना होगा। जैसे ही आप डाल के साइन इन करेंगे तो आपका ये जो जितना भी ईमेल है वो पूरा का पूरा सिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, जो आपकी सेकंड ईमेल आईडी का होगा। ठीक है, जिसके अंदर हमको पूरा डेटा बैकअप डालना है। ठीक है, पहले उसको लॉगिन करना पड़ेगा हमको, तो ये लॉगिन कर लिया हमने, पूरा ये फिनिश हो गया अपना प्रोसेस। अब क्या करना होगा, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनबॉक्स में आपको सेकंड वाली जो ईमेल आईडी होगी उसमें सारा का सारा जो आपका रियल टाइम के ईमेल्स होंगे वो आपको यहाँ पर दिखने वाले। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली अब आपको पुराना बैकअप डालना है तो आपको एक प्लगइन यहाँ पे डाउनलोड करना होगा। ठीक है, प्लगइन डाउनलोड करने के लिए थ्री डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सिंपली एक्सटेंशन पे जाना है और आपको सर्च करना है, एक प्लगइन एक्सटेंशन सर्च करना है। यहाँ पर मैं सर्च करने वाला हूँ इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट डाल के मैंने यहाँ पर सर्च किया तो पहला जो प्लगइन आपको यहाँ पर मिलने वाला है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टूल और एनजी, मतलब एनजी लिखा हुआ होगा उसके लास्ट में। आपको इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है, मतलब तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ऐड का ऑप्शन आएगा, ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे और ओके करके जैसे ही ये कंफर्मेशन दे देगा कि प्लगइन आपका इंस्टॉल हो गया है, उसके बाद आपको ये सारे टैब बंद कर देना है। आपको फिर से इस वाले सॉफ्टवेयर को वापस से रिस्टार्ट करना है, जो आपका ये थंडरबर्ड का सॉफ्टवेयर है इसको रिस्टार्ट करना है, वापस से इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे लोकल फोल्डर पे राइट क्लिक करना है। जैसे राइट क्लिक करेंगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एनजी, और यहाँ पे इंपोर्ट एम बॉक्स फाइल आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आपको सिंपली क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, और यहाँ पर आपको वो पूरा का पूरा बैकअप जो आपका है एक्सट्रैक्ट करने के बाद फाइल को डाल देना है। ठीक है, जैसे आप इसको यहाँ पर इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा मेरे सारे के सारे ईमेल्स यहाँ पे शो होने लग गए। ठीक है, ये तो हो गई हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात। अब हमको क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी के अंदर डालना है, मतलब जो आपकी ईमेल है उसके अंदर उसको पूरा का पूरा इंपोर्ट करना है। किस तरीके से करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे स्पेसिफिक। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, सिंपली एक फोल्डर बनाऊंगा यहाँ पर मैं अपने इनबॉक्स के अंदर। पहले तो उसको मैं रिनेम कर दूंगा जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो, तो यहाँ पर मैं इसको रिनेम करने वाला हूँ पहले फोल्डर को, क्योंकि ऑल ईमेल्स करके ये पूरा का पूरा लिखा हुआ आ रहा है, तो यहां पर मैंने इसको रिनेम किया। रिनेम करके मैं यहां पर लिखने वाला हूं ऑल अदर जीमेल, और यहां पर मैं लिखता हूं ईमेल्स। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब मुझे कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये मेरा पुराना बैकअप है, पूरी दूसरी ईमेल आईडी का बैकअप है। तो अब यहाँ पर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर इनबॉक्स पे ले जाऊँगा। ठीक है, जैसे इनबॉक्स पे मैं यहाँ पे ले गया, और आप देख सकते हैं कि मेरा जो इनबॉक्स है उसके साथ एक फोल्डर और आपको यहाँ पे शो होने लग गया है, सारी ईमेल सिंक होने स्टार्ट हो गए। और आपकी ये जो दूसरी जीमेल आईडी है उसको मैं वापस से रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लेवल्स के अंदर एक अलग से मेरा एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया जिसमें ईमेल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, जैसे जैसे वो सिंक्रोनाइज होंगे, वो सारे के सारे जो ईमेल्स होंगे यहाँ पर सिंक हो जाएंगे। पुराने जितना भी बैकअप होगा वो मेरी इस वाली ईमेल आईडी के अंदर, सेकंड वाली ईमेल आईडी के अंदर एक अलग से फोल्डर के अंदर यहाँ पे शो होने लग जाएगा मुझको। जी हाँ गाइस, मतलब इस तरीके से आप पूरा का पूरा अपनी अदर ईमेल आईडी का डेटा उठा के एक फाइल बना के, पूरा डेटा बैकअप की फाइल बना के अपनी दूसरी ईमेल आईडी के अंदर स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर सारे ईमेल्स को यूज कर सकते हो, देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी हमको जरूरत पड़ जाती है गाइस, हम क्या करते हैं कि यार
फिर एक एक ईमेल आईडी को, मतलब एक एक ईमेल्स को डाउनलोड करते हैं या फिर एक एक ईमेल आईडी ईमेल्स को फॉरवर्ड करते हैं अपने पर्सनल ईमेल पे। ऐसा कुछ नहीं करना, आपको पूरा का पूरा बैकअप उठाना है और आपको सिंपली उस बैकअप फाइल को लेके आपने दूसरे वाले सिस्टम के अंदर, दूसरे वाली ईमेल आईडी के अंदर यहाँ पर आपको डाल देना है। इस तरीके से आप अपने आउटलुक का भी कर सकते हो, अपने अदर ईमेल्स का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो आउटलुक वाला प्रोसीजर है उसके अंदर पीएसटी फाइल बनती है, इस तरीके से आप उस पीएसटी फाइल को भी यहाँ पर इस वाले सॉफ्टवेयर थंडरबर्ड के सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पे डाल सकते हो और जीमेल के अंदर वापस से उसको सिंक्रोनाइज कर सकते हो विदाउट एनी इशू। सो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर टेक्निकल स्टफ। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।